केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर एक, संजय सचदेवा। दो, अजय सेठ। तीन, मोहन अग्रवाल। चार, हेमा त्यागी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, अजय सेठ। तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दी गई है। सेठ 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। अभी वो अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर एक, 10 जनवरी। दो, 15 मार्च। तीन, 20 मई। चार, 7 अप्रैल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, 7 अप्रैल। दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस की शुरुआत 7 अप्रैल 1950 को हुई थी। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर एक, जस्टिस NV रमना। दो, जस्टिस हेमा कोहली। तीन, जस्टिस अशोक गांगुली। चार, जस्टिस संजय यादव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, जस्टिस NV रमना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस NV रमना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश CJI नियुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति रमना 24 अप्रैल 2021 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश S.A. बोम्बडे ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमना के नाम की सिफारिश की थी। मानदंडों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति होने के एक महीने पहले अगले CJI का नाम केंद्र सरकार को देना होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ऑप्शन नंबर एक, बिहार। दो, पंजाब। तीन, महाराष्ट्र। चार, झारखंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्यजीव शोधकर्ताओं के एक समूह ने सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति शिस्टुरा हिरण्यकेशी की खोज की थी। शिस्टुरा हिरण्यकेशी मीठे जल में पाई जाने वाली शिस्टुरा मछली की एक दुर्लभ उपप्रजाति है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन नंबर एक, 10.5%। दो, 13.5%। तीन, 15.5%। चार, 12.5%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, 12.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अनुमान व्यक्त किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 12.5% पर रह सकती है। इस तरह IMF ने जनवरी के अपने अनुमान में संशोधन किया है। जनवरी 2021 में IMF ने अपने अनुमान में कहा था कि 2021-22 में भारत की इकोनॉमी 11.5% की दर से आगे बढ़ेगी। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर एक, मिजोरम। दो, बिहार। तीन, झारखंड। चार, दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, मिजोरम। यह परियोजना गरीब, कमजोर लोगों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? ऑप्शन नंबर एक, 12 मार्च। दो, 6 अप्रैल। तीन, 10 मई। चार, 20 अगस्त। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, 6 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को बढ़ावा देने से है। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आग का कार्य पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर एक, तवी नदी। दो, किशनगंगा नदी। तीन, चिनाब नदी। चार, डोडा नदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, चिनाब नदी। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कर इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया है। ये ब्रिज कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जोड़ रहा है। हाल ही में 2 अप्रैल 2021 को RBI के कौन से डिप्टी गवर्नर सेवानिवृत्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर एक, महेश कुमार जैन। दो, माइकल पात्रा। तीन, BP कानूंगो। चार, राजेश्वर राव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, BP कानूंगो। RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूंगो 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए हैं। डिप्टी गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2017 में 3 साल के लिए शुरू हुआ और 2 अप्रैल 2020 को समाप्त हो गया। तब उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। BP कानूंगो की सेवानिवृत्ति के बाद RBI के अब 3 डिप्टी गवर्नर हैं।
इनके नाम महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और राजेश्वर राव हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। उन्होंने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद 3 साल के कार्यकाल के लिए दिसंबर 2018 में कार्यभार संभाला। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें फिर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर 1 रूस, 2 फ्रांस, 3 अमेरिका, 4 जापान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें फिर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने की अनुमति देता है। कानून के प्रावधान संविधान में संशोधनों पर आधारित हैं। इनमें से एक संशोधन किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति कार्यकाल की संख्या की सीमा से संबंधित है। यह पदस्थ राष्ट्रपति पर लागू होगा चाहे वह पहले कितने भी कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह चुका हो। अब मौजूदा राष्ट्रपति 2 बार और चुनाव लड़ सकते हैं।